जय हिंद आज हम बात करने वाले हैं एक क्लियर स्किन की हम यहां पे गोरे काले की बात नहीं करेंगे क्योंकि जो नेचुरल स्किन टोन होता है आपका उसको चेंज नहीं कर सकते हो आप अगर काले हो तो रहोगे हाँ यह मान सकते ऊपर से डर्ट हटाई जा सकती है चेहरे को क्लीन किया जा सकता है रंग तुम्हारा नहीं बदल सकता ठीक है जैसे कि हम अगर थोड़ा सा डाउन है काले मतलब तो हम इसको बहुत फेयर नहीं हो सकते हैं हम हो सकता है कि चेहरे पे कोई लेयर हो गंदगी की वो हम हटा सकते हैं लेकिन अब बहुत चमकदार चेहरा हम नहीं बना सकते हैं हम यहां पे बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में सबसे पहली चीज ये समझ लो अगर क्लियर स्किन चाहिए अच्छे बाल चाहिए कुछ भी चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले अपनी गट हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा उसके बाद अपने ली मतलब इंटरनल ऑर्गन्स पर ध्यान देना पड़ेगा जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें गट हेल्थ पर और गट हेल्थ का मतलब ही वही है कि लीवर किडनी इंटेस्टाइन ये सारी चीजों को क्लीन रखना पड़ेगा ठीक है अब इसके लिए हम सीधे टॉपिक पे आएंगे बहुत ज्यादा इधर उधर हम घुमाते फिराते नहीं तुम लोगों को भी पता है तो सबसे पहली चीज हमें ये करनी है कि अगर क्लियर स्किन चाहिए तो अपनी डाइट को क्लीन रखो क्लियर स्किन का सबसे बेसिक सिंपल फंडा यही है कि अपनी डाइट को क्लीन रखो जितना ज्यादा हो सके क्लीन का मतलब यह नहीं है कि तुम साबुन से धो के रोटी खाओगे नहीं क्लीन का मतलब यह है मैदा बहुत ज्यादा रिफाइंड ऑयल रिफाइंड शुगर मतलब जिसको शक्कर बोलते हैं हिंदी में इन चीजों का कंजप्शन बहुत लिमिटेड करना पड़ेगा बहुत कम से कम रखना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्किन एकदम क्लियर रहे व्हाइट सुगर व्हाइट फ्लावर व्हाइट ऑयल मतलब व्हाइट uh, ऑयल हम कह देते हैं लेकिन सोयाबीन ऑयल की हम बात करते हैं बेसिकली ठीक है तो इन तरीकों की चीजों को तुम्हें अवॉइड करना पड़ेगा अगर क्लियर स्किन चाहिए फास्ट फूड जो भी बन रहा है काले तेल में छत्तीस बार एक चीज को उबाला जा रहा है वो चीजें कंज्यूम नहीं करनी सबसे पहला काम यह करना है ठीक है दूसरा काम क्या करना है एक प्लेट कलरफुल आपको खानी है कलरफुल का मतलब यह है कि जैसे कि आपने एक प्लेट ले ली ठीक है उसमें आपने खीरा गाजर टमाटर मतलब अलग अलग रंग के फ्रूट खाने हैं फूड खाने हैं वेजिटेबल्स हो गया या फिर फ्रूट्स हो गए या फिर कुछ बेरीज हो गई जो तुम अफोर्ड कर सकते हो वो अलग अलग कलर के ठीक है क्योंकि अलग अलग कर, कलर के फ्रूट्स का मतलब यहाँ पे ये यह होता है कि हमें हर एक से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो दूसरी चीज़ हमें ये करनी है तीसरी चीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ठीक है तीसरी जो बात रहेगी हमारी वो क्या रहेगी उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं ठीक है वीकली डिटॉक्स अब देखो डिटॉक्स तो पानी तुम पीते हो जब तुम पानी पीते हो बॉडी अपने आप अप डिटॉक्स हो ही रही है तो कोशिश ये करो कि सबसे पहला तो यही है कि पानी का कंजप्शन अपना ठीक रखो मतलब कि बॉडी को जितना नीड एटलीस्ट उतना पानी तो दो क्योंकि बहुत लोग उतना पानी भी नहीं पी रहे हैं तो क्या है अगली बात यहाँ पे कि वीकली डिटॉक्स मतलब कि अगर उतना पानी तुम नहीं पी रहे हो तो कोशिश ये करो वैसे तो पानी पीना ही पड़ेगा अगर नहीं हो पा रहा है फिर भी तो कोशिश करो हफ्ते में एक बार कोई ना कोई ऐसा हफ्ते में एक बार या दो बार कोई भी जूस कंज्यूम करना चालू कर दो अब जूस वो मिक्स जूस रहेगा ज़्यादा बेहतर रहेगा मिक्स जूस में गाजर टमाटर इन सबको मिक्स करके एक जूस जो बनता है वो जूस कंज्यूम कर सकते हो या फिर हम ये कहेंगे कि एक त्रिफला चूर्ण आता है उसको हफ्ते में एक बार गर्म पानी के साथ ले सकते हो मतलब कि अंदर से बॉडी को डिटॉक्स करोगे चीजें क्लियर रहेंगी तो उससे फायदा ये होगा यार कि तुम्हारी बॉडी में किसी भी तरीके का एक्ने पिंपल्स ये सब नहीं आएंगे ठीक है अगला है नीम नीम एक तरीके का हम तुम्हें कहें तुम्हारे ब्लड के ब्लड में जो भी इंप्योरिटीज हैं ठीक है जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालती है नहीं बहुत बेहतरीन है और इसको ये नहीं कि तुम्हें आधा आधा किलो खा लेनी है नहीं छोटी छोटी बॉल्स बनानी है उसकी नीम के ला के पीस के घर पे सिलबट्टे में जो भी पीसते हो छोटी छोटी बॉल्स बनानी अब ये बॉल्स को तुम अगर डेली खाते हो कंज्यूम करते हो तो यकीन मानो बस एक सुबह एक खा के गर्म पानी पी लो बॉडी नेचुरल डिटॉक्स हो जाएगी अगर वो नहीं अच्छा लगता एक साफ़ी का सीरप आओ वही पर्याप्त है ये सारी चीज़ें हो गई जो हमने इंटरनली अपने लिए कर ली ठीक है अब यहाँ पे बात आती है कि हम क्या चीज़ें यूज करें देखो हाँ हम ये मानते हैं आज के टाइम पे तुम्हें फेस वॉश की जरूरत पड़ी पड़ेगी और दूसरा है विटामिन सी का सीरम जो आता है ठीक है यहां पे यार एक चीज हम ऐड करना भूल गए सॉरी डाइट कलरफुल प्लेट के साथ एक नींबू ले लो या फिर एक लिम्सी टेबलेट आती है वो ले लो क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर रहेगा विटामिन सी बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए ठीक है तो आखिरी चीज हमने क्या लिखी फेस वॉश और स्किन एक सीरम आता है विटामिन सी का वो अब देखो होता क्या है कि फेस वॉश की हमें जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि हम दिन भर जो घूमते हैं पॉल्यूशन इतना ज्यादा है बाहर इतना ज्यादा डर्ट इतना ज्यादा गंदगी चेहरे पर लगती है उसको साफ करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा एक फेस वॉश फेस वॉश तुमने लगा लिया अब उसके बाद जब तुम सीरम अप्लाई करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि बॉडी को एक नेचुरल स्किन जो है तुम्हारी स्किन टोन जो है उसको नेचुरल एक मॉइस्चर मिल रहा है एक नेचुरल एक कहें एक तरीके से मतलब जो खिल के आती है स्किन उसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है तो कोई भी फेस वॉश ले लो अपने स्किन टोन के हिसाब से मतलब अगर ऑयली स्किन है तो उस हिसाब से लो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उसके हिसाब से लो और एक विटामिन सी का सीरम दैट्स इट इतना पर्याप्त है इसके अलावा तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं आज के वीडियो को यही ख़त्म करते हैं कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए राम राम जय हिंद